Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम class 10th के 7th lesson की को start करेंगे. Lesson का name है The Lady or the Tiger. इस lady के अंदर बहुत interesting story है जो moral, ज़्यादातर story moral पे है. There is a king और some peoples of the subjects of that state. So, वहां का जो राजा था वो कुछ अलग तरह का था. वो चाहता था कि लोग गलतियां करें. उसे इस बात में मजा आता था कि उन गलतियों को वो सुधारे, है ना. सो इस तरह का लेसन है तो हम इसको पढ़ेंगे. सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. आगे बढ़ते हैं. पहले पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर. ऑथर के बारे में, फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकन, अप्रैल 15, 1834 टू अप्रैल 20, 1902. वो जन अमेरिकन राइटर, इस स्टोरी का जो राइटर वो अमेरिकन, ही इज द फ्रैंक रिचर्ड, अमेरिकन राइटर एंड ह्यूमरिस्ट, बेस्ट नोन टुडे फॉर ए सीरीज ऑफ इनोवेटिव चिल्ड्रंस फेरी टेल्स. ये ज्यादातर चिल्ड्रंस फेरी टेल के लिए जाना जाता था, दैट वर वाइडली पॉपुलर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी. इनकी स्टोरी 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में बहुत ही पॉपुलर हुई थी. आगे बढ़ते हैं. अबाउट द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का मतलब है कि इसमें हम समरी पढ़ेंगे लेसन की, इसके बाद लेसन शुरू करेंगे. द लेडी और द टाइगर वॉज पब्लिश्ड, ये स्टोरी लेसन का नाम है लेडी और द टाइगर वॉज पब्लिश्ड इन 1882. वाइल द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी, यहां से समझिए, जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसका आधा पार्ट जो है, फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी प्रोवाइड्स ए ग्लिम्पिस ऑफ सेमी बारबेरी किंग. मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर क्या है, एक बारबेरी किंग की, सेमी बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब समझते हैं क्रूल, बहुत ज्यादा क्रूल किंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी झलक को देखेंगे. हुज मेथड ऑफ गिविंग जजमेंट वॉज फैंसीफुल, उस राजा के जो बहुत ही क्रूल था, उस राजा के निर्णय देने के जो तरीके थे बहुत ही विचित्र थे. एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द हाफ टच, रिमेनिंग हाफ का मतलब है आधा पार्ट जो है, अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टोरी का जो आधा पार्ट है, लास्ट वाला जो आधा पार्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित है. एज स्टॉकन्स हिमसेल्फ हैज रिटन, दिस स्टोरी इन्वॉल्व ए स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट विद विच लीड्स टू मैजेज ऑफ पैशंस, लव, हेट, एक्साइटमेंट. इसमें लव, हेट, एक्साइटमेंट की भावनाओं का वर्णन आपको मिलेगा. द चार्म ऑफ द स्टोरी लाइज इन द सस्पेंस लेफ्ट एट द एंड, मतलब कहानी में क्या होने वाला है, इस तरह का चार्म जो है ना लास्ट तक बना रहेगा, लास्ट तक हमें ये समझ में नहीं आ पाएगा कि वास्तव में स्टोरी में है क्या. आगे बढ़ते हैं. विच इज लाइकली टू अरोज ए चेन ऑफ क्यूरियोसिटी इन द रीडर्स, ये रीडर के अंदर क्यूरियोसिटी को बनाएगा, मतलब है कि रीडर इसको और ज्यादा पढ़ना चाहेगा. आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेसन शुरू होता है. पॉटन्स, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग हु वाज क्रूड एंड वेरी मच लाइक ए सैविज. पढ़िए क्रूड क्या होता है, क्रूड का मतलब बहुत ही क्रूल, बहुत निर्दयी. क्रूड क्या होता है, नॉट हैविंग ग्रेस, जिसकी कोई ग्रेस नहीं, कोई महानता नहीं हो, कोई इज्जत नहीं हो, बहुत ही क्रूल हो, है ना. और सैविज का मतलब होता है बहुत ही क्रूल होना, निर्दयी होना, बेरुखा, इलिटरेट, नॉट सिविलाइज्ड पर्सन, सभ्य तरीके से बातचीत न करना. ही हैड लर्नड सम मैनर्स फ्रॉम हिज लैटिन नेबर्स, उसने कुछ तरह के व्यवहार जो थे, जो इस स्टोरी में जो व्यवहार प्रदर्शित करेगा वो बिहेवियर उसने अपने लैटिन नेबर से सीखे थे. ये नेबर की स्पेलिंग जो आप देख रहे हैं ये राइट स्पेलिंग है, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल में नेबर को ऐसा ही लिखा जाता है और ब्रिटिश स्टाइल में इसमें यू आर लिखा जाता है. सो इसको रॉन्ग नहीं कंसीडर करें. बट मोस्टली ही वॉज बारबेरिक, उसका जो भी बिहेवियर था वो बहुत ही क्रूल था और उसने लैटिन नेबर से सीखा था, लेकिन वो बहुत ही बारबेरिक था. कोई बात है, बारबेरिक का मतलब बहुत अनसिविलाइज था. लाउड एंड ग्रफ, ग्रफ का मतलब क्या होता है, हैविंग नो डिसेंट मैनर, मतलब वो ही वॉज नॉट सिविलाइज, अनमैनर्ड था. ही हैड नन ऑफ द ग्रेस, उसकी कोई महानता नहीं थी. पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स, ही वॉज
ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसी, वो बहुत ही विचित्र विचारों का आदमी था, फैंसीफुल आदमी था, एंड इवन ग्रेटर एंथुजियाजम्स, और बहुत ही उत्साहित था, है ना, बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज इन टू रियलिटी। वो अपने फैंसीफुल आइडिया को वास्तविकता में परिवर्तित करने की कोशिश करता था, और एट लास्ट ही ट्राइड टू, और इसकी कोशिश भी वो करता था। आगे हम पढ़ते हैं, हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉर्मली काम, वो देखने से बहुत ही काम, प्रसन्न मुद्रा का, शांत स्वभाव का आदमी लगता था। वेन एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, जब सब कुछ सही चल रहा होता था, तो उसमें अगर उसको देखा जाए तो लगता कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी। वेन देर वॉज ए लिटिल हिच, हाउएवर ही वॉज एग्जॉल्टेंट एंड हैप्पी, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, हाउएवर ही वॉज एग्जॉल्टेड, बहुत उत्साहित और खुश होता। ही लव्ड इट व्हेन थिंग वेंट रॉन्ग, उसको इस बात में बहुत खुशी होती कि जब कोई कार्य गलत हो जाता, क्यों, बिकॉज दैट मीन्ट दैट ही कुड देन करेक्ट देम, तो उसे इस बात में आनंद आता कि जब कोई कार्य गलत हो जाता तो उसे ये चांस मिलता कि वो सब सही करेगा, और उसे किसी गलत कार्य को सही करने में बहुत मजा आता था। ही लव टू मेक द क्रूड स्ट्रेट, क्रूड का मतलब कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज को उसे स्ट्रेट सीधा करने में बहुत ही मजा आता था। टू क्रेश डाउन द अन इवन प्लेसेज इन लाइफ, मतलब जीवन के अन इवन जीवन को क्रेश करने में उसे बहुत ही आनंद आता था। आगे बढ़ते हैं, ही डिसाइडेड दैट देर शुड बी ए वे टू एड कल्चर टू द लाइव ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अब ध्यान दीजिए, ये जो सब्जेक्ट वर्ड जो होता है, ये सब्जेक्ट वर्ड का हमेशा मतलब विषय नहीं होता है। किंग के लिए उसकी जनता सब्जेक्ट होती है, ध्यान दें, सब्जेक्ट और सिटीजन दो वर्ड हैं, सब्जेक्ट और सिटीजन दो वर्ड हैं। सिटीजन होते हैं डेमोक्रेटिक लोगों के लिए, सिटीजन वो होते हैं जो अपने अधिकारों की मांग करते हैं, जो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। और राजा के लिए लोग सब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि राजा के सामने लोग अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, वो वहां के विषय होते हैं, मतलब विषय का मतलब राजा के सब्जेक्ट होते हैं वो, राजा उन पे एक्सपेरिमेंट करता है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है लोग, वहां के लोग। ही देर शुड बी ए वे टू एड कल्चर टू द लाइफ जो भी सब्जेक्ट, वो अपने लोगों के जीवन में कुछ कल्चर को ऐड करना चाह रहा था। हिज मेथड वॉज द पब्लिक एरोना, एक अरेना था उसका तरीका जो था, देयर ए ह्यूमन एंड बीस्ट परफॉर्म बिफोर ऑडियंस। अरोना का मतलब एक मैदान या ग्राउंड स्टेडियम था जिसमें जानवर और एनिमल्स, आदमी के बीच में परफॉर्मेंस करवाया जाता था। बट हिज फैंसीज असर्टेड देमसेल्व्स देयर, लेकिन जब भी वो कुछ होता तो उसके विचारधाराएं, जो अजीब तरह की उसकी विचारधारा थी, वो वहां पे असर्टेड होती थी। द अरोना दैट अरेना दैट ही बिल्ट वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ए ग्लेडिएटर्स, उसने जो अरोना बनाया था वो सम्मान के लिए नहीं बनाया था, या आदमी के विनर के लिए नहीं बनाया था। इट वॉज नॉट फॉर द बीस्ट टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश, ये इसलिए भी नहीं बनाया था कि बीस्ट और ह्यूमन बींग वहां लड़े और एक दूसरे को फिनिश करें, इसके लिए भी नहीं बनाया था। इट वॉज नॉट इवन फॉर द थ्रोइंग ग्लोरीज रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लायंस, ये इसलिए भी नहीं बनाया था कि वो लायंस के ऊपर धार्मिक हेरेटिक्स को फैलाया जाए। आगे देखते हैं, इट वॉज ही बिलीव्ड फॉर द पर्पज ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल्स, ये इसलिए बनाया गया था, उसका यह मानना था कि इसके माध्यम से मैं लोगों की मेंटल एनर्जी को डेवलप कर सकता हूँ। इट वॉज एन वास्ट एम्पी थिएटर्स, एम्पी थिएटर वो होता है जहाँ जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है, बहुत ही एंटिक चीजें रखी जाती हैं, विद इनसर्कलिंग गैलरीज, मिस्टीरियस वॉल्ट्स, अनसीन पासेज उसके अंदर बनाए गए थे। इट वॉज टू बी ए मीन्स फॉर द पोइटिक जस्टिस, ये एक पोइटिक जस्टिस के लिए बनाया गया था, एक मतलब उसने एक ऐसा महल बनवाया जो भूल भुलैया हम कह सकते हैं, है ना। इट वॉज टू बी द प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड एंड वर्च्यू रिवार्डेड बाई
रिवार्डेड बाई चांस। ये इसलिए बनाया गया था कि क्राइम को पनिशमेंट मिले और वर्च्यू को रिवार्ड किया जा सके। हम आगे वाला पार्ट आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे स्टोरी थोड़ी कंटिन्यू हो जाती है। आज के इस पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।